डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर सेवन, एक्सरसाइज 44। तो इससे पहले का जितने भी एक्सरसाइज है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें दिया हुआ है 8.98 by 0.306। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8, 9, 8 और 3, 0, 6। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 8, 6 जा 48 हो गया, तो 48 8 हो जाएगा, 4 बच गया। 9, 6 जा 54, 54 और 4, 58 हो गया, तो यहाँ पे 8 लिखते हैं। अब 5 बचा हुआ है, और 8, 6 जा 48 हो गया, 48 और 2 लगा दिए उसमें, तो 50 हो गया, और 3, 53 हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं 53। उसके बाद एक क्रॉस लगाएंगे, फिर 0 का जो है सारा 0 बन जाएगा, 1, 2, 3, 0 हो गया, और 2 क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद 8, 3 जा 24 हो गया, 24 का 4 लिख देते हैं, और 2 बच गया, 2 लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद 9, 3 जा 27 और 2, 29 हो गया, तो 9 लिखते हैं, 2 बचा हुआ है, 8, 3 जा 24 और 2, 26 हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको ऐड कर देते हैं, 8 हो गया 7 और 5, 9 हो गया, तो यहाँ पे 14 हो गया, 14, 4, 1 बच गया, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। तो पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट है यहाँ और यहाँ। इसका मतलब है कि 5 नंबर जो है, 5 नंबर के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे लगेगा, मतलब इतना आंसर हो जाएगा 2.74788। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12। और 13 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 लेते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 37 ये, तो इसको यहाँ पे 65 और 17 लेते हैं, और यहाँ पे 12, यहाँ पे 37 ये लिखते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7, 7 जो 49 हो गया, 4 बच गया। उसके बाद यहाँ पे 7, 7 और 4, 11, तो 1 हो गया, 1 बचा हुआ है, और यहाँ 5, 7 जा 35, 1, 36 हो गया, तो 3 बचा हुआ है। अब 7, 6 जा 42, 42 और 5, 45 हो गया, ये हो गया 45। यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे 7, 3 जा 21, 2 बचा हुआ है, उसके बाद 3, 1 जा 3 और 2, 5, 5, 3 जा 15, 5, 1 बचा हुआ है। अब 6, 3 जा 18 और 1, 19 ये हो गया। अब फिर 2 क्रॉस लगाएंगे, और यहाँ पे 7, 2 जा 14, 1, और यहाँ पे 2 हो गया, और 1, 3 हो गया, उसके बाद 5, 2 जा 10, फिर 1 बचा हुआ है, 6, 2 जा 12 और 1, 13 हो गया, तो यहाँ पे 13 लिख लेते हैं, 1, 2, 3 क्रॉस लगाएंगे, और यहाँ पे 7 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 5 और 6, इसको करते हैं ऐड, काफ़ी लॉन्ग नंबर है ये, तो 9 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे 10 और 5, 6 4 10 और 5 15 हो गया, तो यहाँ पे 5, 1 बचा हुआ है, तो यहाँ 10 हो गया, और यहाँ पे फिर 10 हो गया, 20 हो गया, और 1, 21, तो 1 हो गया यहाँ पे, और 2 बच गया हाथ में, तो यहाँ 2, 3 हो गया, और 9, 12, 12 और 4, यहाँ पे 16 हो गया, 6, 1 बच गया है, तो 1 और हाथ वाला 2 हो गया, 2 और 3, 5 हो गया, और 5, 10 हो गया, 0 हाथ में 1 बचा हुआ है, 7 और 1, 8 हो गया। तो कहाँ पॉइंट है, 1, 2 और 1, 2, 4 डिजिट के 4 नंबर के बाद 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आ गया, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 806.1529। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और इसको मल्टीप्लाई करना है 79, 341, और ये है 459। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9, 1 जा 9 हो गया, और 9, 4 जा 36, 6 लिखते हैं, यहाँ पे 3 बच गया, और यहाँ पे 9, 3 जा 27 और 3, 30 हो गया, 0 अभी भी 3 बचा हुआ है, 9, 9 जा 81 हो गया, 81 और 3, 84 हो गया, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 8 बचा हुआ है। अब यहाँ 9, 7 जा 63, 63 और 7, 70 हो गया, 71 हो गया, 71। उसके बाद यहाँ पे एक क्रॉस लगाते हैं, 5, 1 जा 5, 5, 4 जा 20, 2 बच गया है, 2, उसके बाद 5, 3 जा 15 और 2, 17 हो गया, 17, 1 बच गया है। अब यहाँ पे 9, 5 जा 45 और 1, 46 हो गया, 46, 4 बच गया है, और यहाँ पे 7, 5 जा 35, 35, 5 और 4, 9 हुआ, 39 हो गया, 39। अब इसमें 2 क्रॉस लगाते हैं, और यहाँ से चलेंगे, 4, 1 जा 4 हो गया, 4, 4 जा 16, 1 बच गया है,
फोर थ्री जै ट्वेल्व और वन थर्टीन हो गया, फिर वन बचा हुआ है, नाइन फोर जै थर्टी सिक्स और वन थर्टी सेवन हो गया, थ्री बचा हुआ है, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट और थ्री, ट्वेंटी एट है और थ्री, तो थर्टी वन हो गया, तो थर्टी वन यहाँ पे लेते हैं। अब इसको करेंगे प्लस, तो प्लस कर लेते हैं, कितना हो गया नाइन हो गया यहाँ पे और सेवन फाइव सिक्स फाइव एलेवन, तो वन, अब ये वन बचा हुआ है और ये फोर और वन फाइव हो गया। अब यहाँ पे ये टेन हो गया, सिक्स फोर टेन और सेवन सेवनटीन, वन बचा हुआ है, तो वन बचा हुआ है तो सिक्स और यहाँ फोर हो गया, टेन हो गया और हाथ वाला वन, तो यहाँ एलेवन हो गया, फिर वन बचा हुआ है, तो यहाँ पे नाइन और सिक्स नाइन और सेवन सिक्सटीन हो गया, सिक्सटीन और फोर हो जाएगा ट्वेंटी और थ्री, ट्वेंटी थ्री और वन हाथ वाला ट्वेंटी फोर हो गया, तो फोर दिए और अभी बचा हुआ है टू, टू बचा हुआ है, तो यहाँ फोर हो गया, फोर टू सिक्स हो गया और यहाँ थ्री का थ्री हो गया, ये हो गया। तो यहाँ कहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट यहाँ है, इसका मतलब है कि यहाँ थ्री डिजिट हुआ और यहाँ फोर डिजिट, चार नंबर के बाद हमको पॉइंट लगाना, वन टू थ्री फोर, पॉइंट यहाँ लगेगा और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फिफ्टीन नंबर, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये लंबा नंबर है तो इसको पहले ले लेते हैं, सिक्स पॉइंट सेवन थ्री फोर और यहाँ पे हो गया फोर थ्री फाइव, तो यहाँ पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट लगा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फोर फाइव जा ट्वेंटी हो गया, टू बचा हुआ है, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, सिक्सटीन सेवनटीन, सेवनटीन और वन बचा हुआ है, सेवन हो गया और सेवन फाइव जो थर्टी फाइव, वन थर्टी सिक्स, थ्री बची गया है और सिक्स फाइव जा थर्टी, थर्टी और थ्री थर्टी थ्री, थर्टी थ्री यहाँ हो गया, एक क्रॉस लगाएंगे और फिर यहाँ पे फोर थ्री जा ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व का टू, वन बचा हुआ है और यहाँ पे थ्री थ्री जा नाइन, नाइन और वन टेन हो गया, फिर वन बचा हुआ है, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन और वन ट्वेंटी टू, अब टू बचा हुआ है, टू और यहाँ पे सिक्स थ्री जा एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, यहाँ ट्वेंटी हो गया, तो ट्वेंटी यहाँ लिख लेते हैं, अब दो क्रॉस लगा लेते हैं। उसके बाद फोर फोर जा सिक्सटीन हो गया, वन बच गया है, फोर थ्री जा ट्वेल्व और वन थर्टीन, फिर वन बचा हुआ है, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट और वन ट्वेंटी नाइन, टू बच गया है, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर और टू ट्वेंटी सिक्स हो गया, ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं ऐड, जीरो सेवन टू नाइन, सिक्स सिक्स ट्वेल्व, टू वन बच गया और यहाँ पे थ्री थ्री सिक्स टू एट हो गया और वन नाइन हो गया, अब हाथ में बचा हुआ नहीं है, नाइन थ्री ट्वेल्व हो गया, टू अब हाथ में वन है, सिक्स टू एट और वन नाइन हो गया और यहाँ पे टू हो गया, तो यहाँ पे कितना नंबर के बाद, यहाँ थ्री और यहाँ वन, फोर हो गया, तो वन टू थ्री फोर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कंप्लीट हो गया है।